हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका इस स्टूडियो में स्वागत है। आप सभी को पता है कि 6 और 7 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुए थे, ग्रुप 56 और 57 का एग्ज़ाम हुआ था, तो उस पर केस है और पहले ही एग्ज़ाम पर रोक लगा दी थी सिंगल बेंच ने। तो यदि 57 का कैंसिल होता या जो रिजल्ट कैंसिल होता है प्री का, तो 56 और 57 की कोई अहमियत ही नहीं बचती। यदि दूसरी बात करें कि सरकार ये भर्ती करना ही नहीं चाहती, क्योंकि सोशो इकोनॉमी वेरिफिकेशन करवा सकती है और फिजिकली डॉक्यूमेंट करवा सकती है, क्योंकि अब भी 3 महीने हो गए हैं। 31 अक्टूबर की डेट दे दी गई है कोर्ट के द्वारा, और 3 महीने जो है बच्चों को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। या तो सरकार इसको रद्द करके दोबारा एग्ज़ाम ले या ना ले, या इसी पर रिजल्ट निकाले, क्योंकि बच्चे टॉर्चर किए जा रहे हैं। इसमें बच्चों का नुकसान हो रहा है, सरकार का नहीं। 31 दिसंबर तक कैसे पूरी कर सकती है ग्रुप सी की भर्ती सरकार? जैसे अब चल रही है तो ऐसे पूरी नहीं होगी। और अगली अगली बात आती है ग्रुप डी एग्ज़ाम की। तो ग्रुप डी एग्ज़ाम आपका 21-22 अक्टूबर को एनटीए के द्वारा लिया जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से तैयारी चल रही है तो आपका एग्ज़ाम पक्का होगा। अब बात आती है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम सरकार बीच में लेकर आई, इनको पहले ग्रुप सी की भर्ती करनी चाहिए थी। 31 दिसंबर से पहले बोल रहे थे, ऐसे तो नहीं लगता ये ग्रुप सी की भर्ती कर पाएंगे। नेक्स्ट डेट मिल रही है, सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इसमें बच्चों को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, बस इसमें बच्चों का नुकसान हो रहा है। ग्रुप 56-57 एग्ज़ाम कैंसिल हो या ना हो, जितने भी ग्रुप 56-57 वाले बच्चे हैं, वो ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करें, क्योंकि आपके पास बेरोजगारी का ठप्पा है। एक बार दूर हो जाए तो आप अपने से अच्छे से तैयारी कर पाओगे अगले एग्ज़ाम की। आप छोटी या बड़ी नौकरी ले सकते हैं, पहले एक बार छोटी नौकरी अपने हाथ में लें। अब बात आती है कि सोशो इकोनॉमी की फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकती है और उसको पूरी कर सकते हैं। 3 महीनों में भी हो सकती थी, पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो सरकार को सोशो जो इकोनॉमी फिजिकल वेरिफिकेशन करनी चाहिए, किस किस को 5 नंबर मिले हुए हैं या नहीं, फिर उसके बाद संशोधन करके रिजल्ट डालना चाहिए। तो उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ग्रुप 56 और 57 का एग्ज़ाम पर कोई भी कैंसिल का मुद्दा नहीं उठेगा और ये भर्ती फेर तरीके से होगी। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार को सोशो